और बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 23 करेंगे और आज की जो वर्कशीट है वो आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है, अम्ल क्षारक और लवण। आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि पीएच वैल्यू किसी भी अम्ल क्षारक और लवण की कैसे पता चले हमें और उसको कैसे हम पता लगाएं कि वो अम्ल है, क्षारक है या लवण है। अगर हम बात करें अब कि किसी भी अगर पीएच 7 का कोई मुझे लवण बनाना है तो उसके लिए आपको अगर पीएच 7 है तो आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक लेंगे ताकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ कर दें, उदासीन कर दें और उदासीन लवण हमें मिले। क्योंकि हमें पता है कि जो पीएच स्केल है 0 to 14 होता है और जो मिड वैल्यू 7 है वो उदासीन की होती है। 0 से और 7 के बीच में अम्ल होता है, अम्लीय पीएच होता है और 7 से ऊपर क्षारीय होता है। तो ये आपको पीएच पेपर की हेल्प से आपको पता है। तो स्ट्रॉन्ग अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाते हैं। इसके अलावा अगर मुझे एसिडिक चाहिए, अम्ल जो लवण है, अगर मुझे अम्लीय लवण चाहिए तो अम्लीय लवण बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अम्ल स्ट्रोक लेना पड़ेगा। तो प्रबल अम्ल लेंगे हम और दुर्बल क्षारक लेंगे। तो अम्ल प्रबल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जब इनके आयन एक्सचेंज होंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड और वाटर बना देगा और उसका पीएच मान होगा 7 से कम, इसका मतलब वो अम्लीय लवण होगा। तीसरा आपका आता है प्रबल, अगर आपको पीएच मान ग्रेटर देन 7 का लवण चाहिए तो उसके लिए आपको प्रबल क्षारक चाहिए, क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा मतलब क्षारकीय लवण आपको बनाना है। उसके लिए प्रबल क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल अम्ल जैसे कार्बोनिक अम्ल, तो ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना देगा। इस तरीके से हम अपनी मर्जी से उदासीन लवण, अम्लीय लवण या क्षारकीय लवण बना सकते हैं। अब आता है खनिज लवण क्या है। एक क्रिस्टलाइन खनिज के रूप में प्रकृति में जो नमक पाया जाता है, जो जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, वो खनिज लवण होते हैं। और साधारण नमक से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उससे उसको बनाने के लिए, अगर साधारण नमक से प्राप्त रसायन सोडियम क्लोराइड हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, या उसको जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है या क्लोरीन है या हाइड्रोजन है, उसको बनाने के लिए क्या 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 हमें रसायन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए सोडियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, इन सब से हम साधारण नमक प्राप्त कर सकते हैं। और अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है, क्लोरीन में और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और जो क्लोरीन गैस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड पे चली जाएगी और NaOH विलयन बनता है कैथोड के पास। और जो गैस हाइड्रोजन गैस है ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाएगी। अब इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। जो तीन चीज़ें बनी हमने सोडियम क्लोराइड से NaOH बनाया तो उसके साथ तीन चीज़ें बनी, हाइड्रोजन गैस ईंधन में, या जो आर्टिफिशियल मक्खन जो बनाया जाता है मार्गरीन उसमें, क्लोरीन का इस्तेमाल जल को साफ करने में, PVC, पी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्पात की सफाई करने में, औषधि मतलब दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन अपमार्जक, कागज बनाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो विरंजक चूर्ण बनता है सोडियम हाइड्रोक्सिल और क्लोरीन की अभिक्रिया करके, और उसका वस्त्र विरंजन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम साबुन अपमार्जक बनाने के लिए इसको थोड़ा ठीक करेंगे, यहाँ पर ये H2 नहीं, यहाँ पे आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और इस तरीके से HCl अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, और विरंजक क्लोरीन और NaOH को मिला देंगे तो विरंजक चूर्ण बन जाते हैं, यहीं से जिनका अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं इसमें जैसे ये अभिक्रिया हुई क्लोर क्षारक प्रक्रिया। क्लोर क्षारक प्रक्रिया क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है क्लोर क्षारक प्रक्रिया है। इसमें देखिए जैसे ये अभिक्रिया हुई थी यहाँ पर क्लोर क्षार, यहाँ पर क्षार भी निकला और क्लोरीन भी निकली,
सोडियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन में करंट पास किया जाता है या विद्युत धारा पास की जाती है तो क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें एक क्षारक का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस का निर्माण भी होता है। दूसरा आता है लवण जल क्या होता है, जिसमें जिस जल के अंदर नमक मिला हुआ होता है या जलीय विलयन होते हैं उसको लवण जल कहा जाता है। क्लोर क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, इसके कोई दो उपाय लिखिए। एनोड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगी क्लोरीन गैस जो हमने पहले, तो क्लोरीन गैस आ जाएगी और उसके दो उपयोग आप ये बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है साबुन और कागज बनाने में होने वाले रसायन का नाम बताइए, उसका सूत्र भी लिखिए। साबुन बनाने के लिए NaOH का इस्तेमाल किया जाता है, ये जैसे हमने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन या मार्जक बनाने के लिए यहाँ पर NaOH आएगा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई दो उपयोग बताइए। हाइड्रोजन गैस ईंधन बनाने के लिए या मार्गरीन कृत्रिम मक्खन बनाने के लिए, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है इस बात की सफाई या औषधि बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज़ वर्कशीट 23 एंड वी विल स्टडी अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द pH ऑफ द सॉल्ट्स। इफ आई वॉन्ट टू टेल आई वॉन्ट न्यूट्रल सॉल्ट हैविंग pH वैल्यू इज 7, देन यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जस्ट लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैन दे कम्बाइन टुगेदर दे फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इफ आई वॉन्ट एसिडिक सॉल्ट देन यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। सिमिलरली यू इफ यू वॉन्ट बेसिक सॉल्ट देन यू हैव टू टेक द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक बेस इज कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट इज़ कन्वर्टेड इंटू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन मेक न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड द बेसिक सॉल्ट। नाउ वट इज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज इन इट्स नेचुरल फॉर्म इट ए क्रिस्टलाइन मिनरल इज नोन एज रॉक सॉल्ट and chemical from the common salt. What kind of the chemical you can make? You can make sodium hydroxide, you can make bleaching powder, you can make baking soda and washing soda also from common salt. Now how can we make sodium hydroxide from the common salt? When electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride, it is also known as brine, it decomposes to form sodium hydroxide and this process is called chloralkali process. Why it is called chloralkali? Because when sodium chloride and alkali solution, when current is passed through it, it is converted into base sodium hydroxide, that is also called alkali because it is soluble in water, and chlorine gas is also formed. So combination of alkali and chlorine, it is called chloralkali process. And the gas formed during this reaction is chlorine gas and hydrogen gas. Chlorine gas deposits at the anode and the hydrogen gas deposits at the cathode. Because hydrogen is positively charged, cathode is negative, so opposite moves to each other. Near cathode, NaOH solution is formed. Now, what are the uses of different products formed in the reaction? First is hydrogen gas is used in the fuels in the margarine, that is the artificial butter, and chlorine is used for water treatment and PVC, for making PVC, polyvinyl chloride. You have seen the covering of wire. And the upper covering of the wire is called PVC and fluorocarbon is used in refrigerators. HCl, hydrochloric acid, you can make H2 and O2 combined together, they form hydrochloric acid and it is used in cleaning steels and medicines. And NaOH, sodium hydroxide, it is degreasing metal and soaps and paper making. And chlorine plus NaOH, they form bleaching powder and it is also used in, you can see bleach, and it is used for household bleaches as well as bleaching fabrics. So this is about most interesting chloralkali process. And what is the chloralkali process that I have discussed in the sheet? What is brine solution? That is sodium chloride plus H2O. When current is passed through it, it is called brine solution. Which gas is liberated at the anode? Anode is a positive, so chlorine gas and chloralkali process. Given it two uses of this gas, chlorine is used for disinfecting the water as well as water treatment, PVC and CFC.
नेम द केमिकल यूज इन द सॉप एंड डिटर्जेंट्स दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इज फॉर्मलाइज एन ए ओ एच दिस इज राइट एनी टू यूजेज ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन यू कैन टेक दीज टू यूजेज फ्रॉम देयर आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस इन द सॉल्ट एंड क्लोरोलकली प्रोसेस कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान थैंक यू सो मच